हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मावा मावा या खोया। इसे बनाने के लिए मैंने 1.5 लीटर दूध लिया है। इसे पहले से मैंने बॉईल करने के लिए रखा है और ये काऊ मिल्क है। ये मार्केट से भी हम ला सकते हैं, पर आज हम घर में कैसे बनाते हैं मावा आज वो देखेंगे। बस इसे गाढ़ा होने तक हमें इसे बॉईल करते रहना है और साइड का जो किनारों पे जो लग जाता है दूध चिपक चिपक जाता है वो निकलते निकलते ही हम इसे गर्म करेंगे। और चम्मच को हमें बीच बीच में चलाते रहना है ताकि वो नीचे चिपक ना जाए या जल ना जाए। अभी 1.5 लीटर दूध का ये आधा हो चुका है। इसी तरह से हम इसे बॉईल करेंगे। इसे बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है, पर घर में हम इसे फ्रेश खोया बना सकते हैं जो मिठाई में इस्तेमाल किया जाता है। हलवाई इसे लोहे की कढ़ाई में बनाते हैं इसलिए उनका खोया जल्दी बनता है, मगर मैंने नॉनस्टिक कढ़ाई में बनाया है। अगर घर पे लोहे की कढ़ाई हो तो आप उसके लोहे की कढ़ाई में बना सकते हैं। इसी तरह से हम इसे बॉईल करते रहेंगे। अब ये गाढ़ा हो चुका है। अभी फ्लेम को हम थोड़ा सा मीडियम करेंगे और चम्मच को चलाते ही रहेंगे, क्योंकि अभी ये गाढ़ा हो चुका है तो अभी हम इस पे से नज़र नहीं हटा सकते हैं। और चम्मच को इसी तरह से चलाते रहेंगे वरना ये लग जाएगा और जल जाएगा। अब ये पूरी तरह से गाढ़ा हो चुका है और खोया या मावा हमारा रेडी है। इसी मावा से मैंने काला गुलाब जामुन बनाया था। इसका वीडियो मैंने पहले डाल दिया था, काला गुलाब जामुन का। मैंने इस तरह से इसे गाढ़ा कर लिया है और ये ठंडा होने के बाद और गाढ़ा हो जाएगा। और मैंने इसे काऊ मिल्क से बनाया है इसीलिए इसका थोड़ा सा रंग भी थोड़ा सा ऑरेंज हो हुआ है। आप इसे घर पे ज़रूर बना कर देखिए। बस थोड़ा सा टाइम लग जाता है, मगर फ्रेश मावा या खोया हमें मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।